नमस्कार, वीकली बुलियन आउटलुक में आपका स्वागत है। देखिए, पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो बुलियन में कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर फिर से प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। जिस ढंग से हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में एक अच्छी खासी तेजी थी, ये बुलियन के लिए नेगेटिव था। बट पिछले लास्ट दो दिन के अंदर अंदर हमने देखा डॉलर इंडेक्स ने 105 का लेवल वापस रिजेक्ट करता हुआ दिखाई दिया, जिसके चलते सोने और चांदी में लोअर लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी बनी। इस वक्त भी अगर हम देखें तो 55,800 के करीब गोल्ड ट्रेड कर रहा है और चांदी में लगभग 63,500 के करीब ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हफ्ते में रहा डॉलर इंडेक्स, जहां पे हमने वापस रिवर्सल आते हुए देखा। कुछ मेजर कारण की बात करें तो सबसे पहले डॉलर में जो गिरावट का कारण बना वो था चाइना का फैक्ट्री एक्टिविटी, जहां पे हमने देखा कि जो रिस्क सेंटीमेंट है वो अपलिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया। जिस ढंग से नंबर एक्टिविटीज के आए हैं, ये कहीं ना कहीं दबाव लाता हुआ दिखाई दिया डॉलर पे। और ऑलरेडी डॉलर इंडेक्स में 150 से हमने 105 तक का रैली अप देख चुके थे, जिसके चलते सोने और चांदी को अपलिफ्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि अगर इकोनॉमिकल एक्टिविटी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं लोगों का जो रुझान है वो डॉलर से कम होता हुआ दिखाई देगा, और जैसे कि डॉलर में गिरावट आती है तो सोने चांदी को सपोर्ट मिलता है। वहीं दूसरी ओर अपसाइड थोड़ा कैप इसलिए भी लग रहा है क्योंकि फेड के मिनट्स में और फेड के जितने मेंबर्स हैं उन्होंने अभी भी इन्फ्लेशन की चिंता कंटिन्यू जताई है, और इन्फ्लेशन के एक्सपेक्टेशन के चलते आगे भी रेट हाइक होता हुआ दिखाई देगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पिछले साल लगभग हमने 4.5% का रेट हाइक होते हुए देखा, रिजल्टेंट हमने $450 के करीब की गिरावट गोल्ड में आती हुई देखी। अब 0.25 से या 0.5 से अगर रेट हाइक होता भी है तो उतना प्रेशर अब गोल्ड पे आता हुआ नहीं दिखाई देगा। बट हाँ, मार्च मंथ जो रहेगा वो मार्केट कंसोलिडेशन का रहेगा, क्योंकि बड़ी गिरावट के बाद एक कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड जरूरी है। ऑलरेडी फेड ने आगे का भी ऑप्शन बताया कि हम रेट हाइक करेंगे, बट सबसे चौंकाने वाली बात थी कि बैंक ऑफ अमेरिका ने अपडेट दिया है कि फेड इंटरेस्ट रेट 6% तक ले जाएगा, विच इज वेरी क्रूशियल, बिकॉज अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली इसका नेगेटिव इंपैक्ट कमोडिटी मार्केट पे पड़ता है। फिजिकल मार्केट की बात करें तो चाइना अभी लूनर न्यू ईयर के हॉलीडे के बाद उभर रहा है, यहाँ पे हम डिमांड बढ़ते हुए देख पा रहे हैं। जबकि गोल्ड इम्पोर्ट फरवरी की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा 30 टन के आसपास का मेनिमेंस में बढ़ा है, जो जनवरी के मुकाबले थोड़ा सा पॉजिटिव है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो मार्च मंथ जो है वो लिमिटेड रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे इंटरनेशनल में हम $1,800 से लेके $1,856 का एक दायरा देखते हुए देखेंगे अगले एक हफ्ते के लिए। और चांदी के अंदर भी हम देख पाएंगे कि $20 से लेकर 21.5-22 का एक रेंज रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट में अगले हफ्ते के लिए बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाई है, जहाँ पे गोल्ड 55,300 तक के पुल बैक पे लेके चलिए 56,200 के टारगेट के लिए। वहीं चांदी की अगर बात करें तो 63,000 के करीब लेके चलिए, ऊपर में हमें लगता है 65,500 तक का लेवल दिखाएगा। तो बाय और ड्रॉप की रणनीति पूरे बुलियन में रखना चाहिए अगले एक हफ्ते के लिए। धन्यवाद।